आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। मुख्य समाचार। प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली का पर्व। देश के सभी जिलों में खोले जाएंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। अगले वर्ष तक प्रदेश में 7.5 लाख युवाओं को दिया जाएगा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण। और सौभाग्य योजना के तहत अक्टूबर तक 35 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। रंगों का पर्व होली प्रदेश भर में हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। राजधानी भोपाल में सुबह से ही लोगों को ने जगह जगह रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। घर और बाहर लोग रंगों में सराबोर दिखे। वहीं कई जगह हुरियारे रंगों के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आए। मुख्यमंत्री निवास में भी होली के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्री चौहान ने इस अवसर पर लोगों को रंग गुलाल लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि भोपाल में करीब 2000 स्थानों पर कल होलिका दहन किया गया था। पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए यहां 30% स्थानों पर कंडों की होली जलाई गई। कई स्थानों पर सूखी होली भी खेली गई। प्रदेश के मालवा अंचल में भी रंगों का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इंदौर में इस अवसर पर जगह जगह लोगों ने एक दूसरे पर रंग बरसाया और होली की शुभकामनाएं दी। वहीं उज्जैन में तड़के 4 बजे महाकाल में भस्म आरती के साथ भक्तों ने रंग गुलाल की होली खेली। होशंगाबाद जिले में भी रंगों का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां कल रात होलिका दहन के साथ लोगों ने रंग गुलाल उड़ाना शुरू कर दिया था। इस दौरान सैठानी घाट पर महाआरती भी की। नरसिंहपुर जिले में रंगों के इस पर्व की जगह जगह धूम रही। बच्चों और बड़ों की टोलियां रंगों की बौछार करती नजर आईं। राज्य के खंडवा, आगरमालवा, कटनी, शिवपुरी, सतना, धार जिले में भी होली मनाए जाने के समाचार मिले हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद्र गहलोत ने कहा है कि देश के सभी जिलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कल उज्जैन में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के लोकार्पण समारोह में कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगों की सहायता के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है। सभी जिलों में पुनर्वास केंद्र स्थापित होने से उनकी छोटी छोटी समस्याओं का भी निदान हो सकेगा। श्री गहलोत ने बताया कि देश के 250 जिलों में अभी पुनर्वास केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। शेष जिलों में यह केंद्र स्थापित करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से विदेशों में स्थित 35 बैंक शाखाओं के कामकाज में सुधार करने को कहा है। इसके साथ ही विदेशों में 69 बैंक शाखाओं को जांच के लिए चिन्हित किया है। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने कहा है कि बैंकों के कामकाज में सुधार और जिम्मेदार बैंकिंग कार्यप्रणाली की प्रतिबद्धता है। इसके लिए विदेशों में स्थित सरकारी बैंकों की शाखाओं का पुनर्गठन किया जाएगा। पिछले महीने प्रदेश में हुई ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। राज्य शासन की तरफ से कल जारी आदेश में कहा गया है कि 50% से अधिक सिंचित फसल के नुकसान पर 30,000 रुपये तथा वर्षा आधारित फसल के लिए 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। अभी यह राशि 15,000 और 8,000 रुपये है। पिछले माह ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फसल क्षति पर अनुदान सहायता राशि बढ़ाने की घोषणा की थी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। प्रदेश में अगले वर्ष 7.5 लाख युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल युवा सशक्तिकरण मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रशिक्षण का 100% लक्ष्य पूरा किया जाए ताकि युवा अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कल भोपाल में मध्यप्रदेश रेडक्रॉस सोसायटी की प्रबंध समिति की बैठक में सोसायटी की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने सुझाव दिया कि रेडक्रॉस द्वारा अधिक से अधिक वृद्धाश्रम संचालित किए जाएं और स्कूल, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सोसायटी की ओर से नेत्र तथा स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं। इस बैठक में राज्यपाल के प्रमुख डॉक्टर एम मोहन राव ने बताया कि गरीबों और अन्य लोगों को कम खर्च पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रेडक्रॉस अस्पताल की स्थापना की गई थी। उसी उद्देश्य को लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा कार्य किया जा रहा है। सोसायटी के महासचिव राजीव नयन तिवारी ने बैठक में सोसायटी की गतिविधियों की जानकारी दी। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ऋण की ब्याज दरों में तत्काल प्रभाव से 15 आधार अंकों की वृद्धि के साथ उसे 8.30% कर दिया है। बैंक ने खुदरा और विभिन्न सावधि जमा योजनाओं के लिए भी ब्याज दर में 45 आधार अंकों की वृद्धि की है। देश की सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ब्याज दर में 20 आधार अंकों की वृद्धि कर 8.15% किए जाने के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने यह फैसला किया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को प्रभावी प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कुशल शिक्षकों और सेवानिवृत्त कर्मियों का चयन किया जाएगा। इसके लिए एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से 10 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक लोकेश कुमार जाटव ने इस संबंध में जिला अधिकारियों और परियोजना समन्वयकों को निर्देश दिए हैं कि प्राप्त आवेदनों की मेरिट के आधार पर सूची तैयार की जाए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा समूह बनाकर इसी माह जिला स्तर पर उनका प्रारंभिक टेस्ट किया जाए। इसके बाद चयनित प्रशिक्षकों का राज्य स्तर पर साक्षात्कार होगा। प्रदेश में सौभाग्य योजना के तहत अब तक 9,17,000 से अधिक बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। योजना के तहत अक्टूबर माह तक 35 लाख गरीब परिवारों को निशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हितग्राहियों को निशुल्क कनेक्शन दिए जा रहे हैं। वहीं अन्य हितग्राहियों से ₹5 की राशि 10 किश्तों में बिजली बिल के साथ लिए जाने का प्रावधान है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इंदौर, नीमच, मंदसौर जिलों में इस योजना के तहत 100% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 14 जिलों खंडवा, गुना, भोपाल, उज्जैन, देवास, बुरहानपुर, धार, रतलाम, झाबुआ, ग्वालियर, अलीराजपुर, खरगोन, होशंगाबाद और सागर जिले में योजना का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। शेष 40% राशि का प्रबंध राज्य शासन और विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में पिछले एक सप्ताह से चल रहे भगोरिया पर्व का परंपरागत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आज समापन हुआ। सतना जिला पंचायत का नया भवन कलेक्ट्रेट परिसर में बनाया जाएगा। इसके लिए 2,78,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आगरमालवा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में 29 किलोमीटर से अधिक की 5 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। कटनी जिले के बरई तहसील में करंट लगने से खेत में काम कर रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली का पर्व। देश के सभी जिलों में खोले जाएंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। अगले वर्ष तक प्रदेश में 7.5 लाख युवाओं को दिया जाएगा रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण। और सौभाग्य योजना के तहत अक्टूबर तक 35 लाख गरीब परिवारों को निशुल्क बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।